आज मैं मेरे बिहार का लिट्टी और चोखा बनाने जा रही हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ में भी रेसिपी को शेयर करूँ। बहुत ही टेस्टी बनता है, इसका चोखा भी बहुत ही गजब का होता है, टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले चोखे के लिए तैयारी करेंगे, मतलब भरता। तो ये एक मैंने बड़ा वाला बैंगन लिया है और इसको इस तरह से कट करूँगी, इस तरह से होल कर रही हूँ मैं, बस चाकू को इस तरह से ले रही हूँ और अंदर के साइड में डाल दे रही हूँ। और ये एक लहसुन का कली लिया है मैंने, सारा लहसुन इसके अंदर में डालना है हमें। ये बैगन के भरते के साथ में लहसुन का जो टेस्ट आता है बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। वैसे ये लिट्टी चोखा मैं मेरी फ्रेंड के लिए बना रही हूँ, उसे लिट्टी चोखा खाना था, टेस्ट करना था कैसा बनता है बिहार का लिट्टी चोखा, बहुत फेमस है, उसने सुना था तो मेरे से फरमाइश करा उसने कि मुझे लिट्टी चोखा खाना है। तो मैंने सोचा चलो बना करके खिला देती हूँ। सारा लहसुन मैंने डाल दिया है, ये दो टमाटर लिया है और 5-6 तीखी वाली हरी मिर्च ली है। आप चाहो तो डायरेक्ट गैस के ऊपर में भी रख करके इसे भून सकते हो, या फिर इस तरह से तवा के ऊपर में भी रख करके भून सकते हो। हमें टमाटर भी भूनना है, मिर्ची को भी और बैंगन को भी, तो एक एक करके करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने तवा ले लिया है और तवा के ऊपर में रख करके इसे भून लूँगी। थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाल रही हूँ, सरसों का ऑयल ही डालना है। गैस के ऊपर में रख दिया है मैंने और गैस को ऑन कर दिया है, फ्लेम को बिल्कुल कम कर दूँगी। मैंने गैस को ऑन कर दिया है और इस तरह से इसे ढक देंगे, ढक करके इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि अच्छे से बैंगन टमाटर और हरी मिर्च सॉफ्ट ना हो जाए। गैस के फ्लेम को बिल्कुल कम कर देना है और बीच बीच में हर साइड से उलट पुलट करके हमें इसे अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। लिट्टी बनाने के लिए मैंने 1/2 kg मैदा लिया है, 2 pinch बेकिंग सोडा, 1/2 teaspoon अजवाइन और 1/2 teaspoon नमक ये डाल दूँगी इसमें, और 1 बड़ा चम्मच घी डाल रही हूँ। इन सभी चीज़ को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप घी के जगह में ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, रिफाइन ऑयल का। आटे के अंदर में अच्छा बाइंडिंग आना चाहिए तभी लिट्टी क्रिस्पी बनेगा। सभी चीज़ को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, ये देखिए मैदे के अंदर में बाइंडिंग आ रहा है, तो इसी तरह से बाइंडिंग आना चाहिए। अगर आपका बाइंडिंग नहीं आए तो थोड़ा सा घी और डाल दीजिए या ऑयल और डाल दीजिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें इसका हल्का टाइट डो लगाना है, बहुत टाइट भी नहीं रखेंगे, हल्का सा टाइट करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैं इसको गूंद ले रही हूँ। मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैदा को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अभी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं ले लिया है और इस तरह से हाथ से मसल करके इसे स्मूथ कर लेंगे। बहुत टाइट भी नहीं रखना है डो को, बहुत लूज भी नहीं रखना है, हल्का सा टाइट रखेंगे। ये देखिए इस तरह का डो होना चाहिए। तो इसे 1 से 2 मिनट इसी तरह से हाथ से मसल देंगे तो मैदा जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। मैदा को मैंने अच्छे से मसल करके स्मूथ कर लिया है और इसको कवर करके 10 मिनट रेस्ट पर रखेंगे। मैदा को रेस्ट करने के लिए रखा है, तब तक चोखा बना लेती हूँ। ये जो बैंगन और टमाटर मैंने रखा था भूनने के लिए, ये अच्छे से भून चुका है, इसको ठंडा करके मैंने इसके छिलके को निकाल लिया है और 2 उबला आलू भी लिया है। तो इन सब चीज़ को हमें मैश करना है, या तो आप हाथ से कर लीजिए या मैशर से कर लीजिए। बैंगन के डंठल को निकाल देंगे और इसको इस तरह से मैश कर लेंगे। आपको जिस तरह से आसानी हो करने में आप कर लीजिए, हाथ से भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, मैशर से भी कर सकते हैं। आलू बैंगन और टमाटर को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। ये 1 medium size का प्याज लिया है कट करके बारीक बारीक, और थोड़ा सा धनिया का पत्ता लिया है, ये सब डाल दूँगी इसमें। 1 teaspoon से थोड़ा सा कम नमक डाल रही हूँ, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और इन सब चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया है और इसमें 1 teaspoon के जितना सरसों ऑयल डाल रही हूँ, इससे चोखा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ऑयल डाल करके मिक्स कर लिया है अच्छे से, तो बैंगन का चोखा बन करके रेडी है। अभी सरसों का चटनी बनाएंगे। ये 1 jar ले रही हूँ मैं, और 3 से 4 हरी मिर्च लिया है, 12 से 15 लहसुन का दाना लिया है, और 1 teaspoon येलो वाला सरसों जो आता है उसको मैंने पानी में डाल करके भिगा लिया है। ये सारा चीज़ इसमें डाल दूँगी। 1/2 teaspoon नमक डाल रही हूँ और इसका पेस्ट बना लेना है हमें।
ये अच्छे से मैंने पेस्ट बना लिया है, तो इसे किसी बड़े बर्तन में डालेंगे। एक कटोरी दही ले रही हूँ, दही को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी नहीं डालना है हमें, दही को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है तो ये सरसों का जो पेस्ट हमने बना के रखा था उसमें डाल देंगे। अगर आपके पास में येलो वाला सरसों नहीं है तो आप सरसों का पेस्ट आता है वो भी ले सकते हो, या ब्लैक वाला भी सरसों ले सकते हो। मिक्स करेंगे सभी चीज़ को अच्छे से, और ये सरसों का चटनी बन करके रेडी हो गया है। नमक एक बार टेस्ट कर लीजिए, अगर नमक की ज़रूरत लगे तो डाल दीजिए, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो लीजिए, सरसों का चटनी और बैंगन का चोखा बन करके रेडी है। चलिए फटाफट से गर्मा गर्म लिट्टी बनाते हैं और सर्व करेंगे। मैदा तो रेडी है, तो लिट्टी में स्टफ़ करना है हमें, तभी लिट्टी बनेगा। तो ये मैंने 250 ग्राम सत्तू लिया है, चने का सत्तू लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है नॉर्मल वाला, और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने काला नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून आमचूर का पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, थोड़ा सा कटा हुआ अदरक का टुकड़ा, मिर्च वाला अचार है ये, उसका मसाला लिया है मैंने, एक बड़े साइज़ का प्याज जिसको मैंने बहुत ही बारीक बारीक पीस में कट करा है, और ढेर सारा धनिया का पत्ता। इन सब चीज़ को मिक्स करेंगे, अचार का जो मसाला है उसे अच्छे से मिक्स करेंगे, मसल करके हाथ से इस तरह से, तो सारे सत्तू के अंदर में इसका फ्लेवर जाएगा। सभी चीज़ को मैंने मिक्स कर लिया है, तो अभी इसमें पानी का छींटा डालना है। बस हल्का सा पानी लेंगे और इस तरह से छींटा मारेंगे, हल्का सा बाइंडिंग लाएंगे इसके ऊपर में, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। दिखाती हूँ कैसा करना है आपको, एक साथ में बहुत सारा पानी नहीं डालेंगे और इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैंने इस तरह से भुड़भुड़ा सा स्टफ़ रेडी करा है। तो ऐसे ही करना है हमें, बहुत गीला भी नहीं रखना है और बहुत सूखा भी नहीं रखना है, नहीं तो लिट्टी में फिर स्टफ़ करेंगे ना, आटे के अंदर में स्टफ़ करेंगे तो सही से स्टफ़ नहीं होगा। तो इस तरह से हमें कर लेना है। तो यह रेडी है, चलिए अभी मैदा देखते हैं। मैदा रेडी है, आपको जितना बड़ा लिट्टी बनाना हो आप उस हिसाब से लोई का पोर्शन लीजिए, और इसे बेलने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से करेंगे, बहुत मोटा नहीं रखेंगे। ऑयल को मैंने हीट होने के लिए रख दिया है, मैंने ऑयल और घी दोनों ही मिक्स करके लिया है। आप चाहो तो ऑयल में भी कर सकते हो, या फिर ऑयल घी मिक्स करके भी कर सकते हो। मैं इसे फ्राई करूँगी, आप चाहो तो इसे सेक करके भी खा सकते हो। तो इस तरह से सत्तू का जो स्टफ बना करके रखा है वो डालेंगे, सत्तू डालेंगे इस तरह से, अच्छे से हमें भरना है सत्तू को, और इस तरह से पैक करेंगे। पैक अच्छे से करना है ताकि फ्राई के टाइम में ये खुले नहीं, अगर खुल जाएगा तो सारा सत्तू बाहर आ जाएगा और ऑयल भी पूरा ख़राब हो जाएगा। तो हमें अच्छे से इसे पैक करना है। आप इसे गैस के ऊपर में भी रख करके सेक सकते हो, या ओटीजी में भी रख करके सेक सकते हो, कुछ नहीं है तो तवे के अंदर में भी रख सकते हो, अल्मीनियम वाले देगची में भी डाल करके इसे सेक सकते हो, ज़्यादा लगेगा लेकिन बन जाएगा अच्छा। तो ये अच्छे से मैंने पैक कर दिया है, और हाथ से हल्का हल्का दबाएंगे। और ये राउंड शेप मैंने दे दिया, तो इसी तरह से मैं सभी को बना ले रही हूँ। तो इस तरह से मैंने सभी को बना लिया है, चलिए इसे फ्राई करेंगे। ऑयल को अच्छे से हीट कर लिया है और गैस के फ्लेम को बिल्कुल कम कर दिया है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है। हल्का सा जब ये कलर आने लगेगा फिर दूसरे साइड टर्न करेंगे, और फ्लेम को बिल्कुल कम करना है, कम फ्लेम पे ही हमें इसे फ्राई करना है, तभी ये अच्छे से क्रिस्पी होगा और अंदर तक सीझेगा ये। तो सभी साइड से हमें तब तक फ्राई करना है उलट पुलट करके, जब तक इस गोल्डन कलर ना आ जाए। लिट्टी के ऊपर में अच्छे से कलर आ गया है, सभी साइड से मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अभी गैस के फ्लेम को हाई करा है, हाई फ्लेम पे थोड़ी देर फ्राई करना है और उसके बाद इसे निकाल लेना है।
तो हाई फ्लेम पे मैंने इसे थोड़ी देर फ्राई कर लिया है। एक छन्ने में निकालेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो नीचे निकल जाए। बहुत ही क्रिस्पी बना है। तो इसी तरह से मैं सारा लिट्टी फ्राई कर ले रही हूँ। सभी लिट्टी को मैंने फ्राई कर लिया है। गर्मा गर्म लिट्टी, बैंगन का चोखा और सरसों का चटनी बहुत ही टेस्टी बना है, ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें। तो ये ट्राई कीजिए, बिहार का बना हुआ लिट्टी चोखा, एक बार ट्राई कीजिए, मज़ा आ जाएगा खा करके आपको। तो चलिए इसे मैं सर्व करती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी बना है। लीजिए, एकदम टेस्टी टेस्टी गर्मा गर्म लिट्टी चोखा बन करके रेडी है। ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए।